अभी मैं नेपालगंज के धम्बोजी चौराहे पे खड़ा हूँ। ये इनकी लड़की का लड़का है। हम जादू दूध पियेंगे, हम जादू पियेंगे, हम जादू दूध पियेंगे। ये है मेरे बड़े भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल्ला, इस समय मैं हूँ नेपाल बॉर्डर पर और अभी मैं नेपाल सिटी जाने वाला हूँ अपने बड़े भाई के साथ। अभी नेपाल सिटी जाऊँगा, थोड़ा ख़रीदारी करना है, नेपाल की मार्केट दिखाना है, नेपालगंज दिखाऊँगा। नेपाल बॉर्डर का, इंडिया नेपाल बॉर्डर का ये बहुत बड़ी मार्केट है। नेपालगंज सिटी का नाम है नेपालगंज, वहाँ पूरा टूर कराऊँगा इंशाल्लाह और अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊँगा। मुझे थोड़ी से ख़रीदारी करनी है, कम्बल वगैरह लेना है और देखता हूँ जो पसंद आ जाएगा लेऊँगा। और एक माइक लेना है मुझे, माइक्रोफोन, क्योंकि ये मेरा सिंगल है। कल मैं इंडिया से नेपाल आया हूँ और रास्ते का थोड़ा बहुत वीडियो बनाते हुए आया था। मैं अपने दोस्त के साथ बाइक में आया था, उसको भी मैं डाल दूँगा। वो मुझे नेपाल बॉर्डर पर छोड़ के चले गए थे, फिर मैं रात भर नेपाल बॉर्डर पर रहा हूँ। मैं अपने भाई के यहाँ रहा हूँ और आज मैं अभी जा रहा हूँ नेपालगंज की सिटी घूमने के लिए। घूमूंगा, फिरूंगा, देखूंगा, जो पसंद आएगा वो खरीदूंगा। इसके बाद आज मुझे जाना है शाम को इंडिया वापस। तो अब जैसा होगा मैं आगे बताऊंगा इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह, आज हम लोग जा रहे हैं नेपाल सिटी। ये रहा बॉर्डर, अभी हम ये भंसार क्रॉस करने वाले हैं। हम लोगों से आईडी पूछा गया था, आईडी दिखाया और हो गया हम लोगों का। अब हम लोग निकल चुके हैं नेपाल सिटी घूमने के लिए, जो कि नेपालगंज के नाम से मशहूर है। ये देखिए, आज बहुत बारिश हुई थी, माशाल्लाह बहुत अच्छा मौसम है। अभी हम डीपी चौक पहुंचने वाले हैं। ये देखिए यहाँ का रोड, ये नेपालगंज का रोड है, सेम टू सेम इंडिया का जैसा है, लेकिन यहाँ का कानून थोड़ा खड़ा है। मौसम बहुत अच्छा है। अब जाएंगे, ख़रीदारी करेंगे, देखेंगे क्या क्या समझ में आता है। ये देखिए यहाँ का कानून बहुत टाइट है, थोड़ा भी एक्सीडेंट हुआ कि लेने के देने पड़ जाते हैं। मुझे माइक्रोफोन ब्लूटूथ लेना है, जो कि मेरे पास सिंगल वाला है। मैं डबल देखूँगा, अगर मिल गया तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। हाँ, इस तरफ होगा भैया। यहाँ पर जो बड़ा सा मॉल है उसमें चलते हैं। ये हम लोग बीसी चौक पहुँच गए हैं। ये अब हम लोग आने वाले हैं, छोटा सा मॉल जैसा है, उसी में ये लेके जाएंगे। मुझे अभी देखता हूँ कितने का है। ये नेपालगंज का शहर है। अब मुझे आज ही लौटना है, इसलिए मैंने बहुत रिक्वेस्ट की अपने भाई से। ये हम लोग पहुंच गए हैं और ये रहा देखिए, इसी के अंदर हम लोग जाएंगे। ये कितना खूबसूरत मार्केट बना हुआ है। चलिए भैया अंदर देखते हैं कितने का है। ये देखिए बाइक पार्क हो गया है, अब हम लोग जा रहे हैं। अरे बाप रे, इतना महंगा, 2800 रुपये नेपाली बोल दिया। अरे यहाँ नहीं, फिर दूसरी दुकान से देखते हैं भैया, चलें। ये अब हम लोग फिर दूसरी दुकान से जा रहे हैं। यहाँ बोला है आगे चौक से मिलेगा, तो क्या बोलते हैं धम्बोजी चौक, ये है धम्बोजी चौक, ये यहाँ पर बताया था। अभी मैं नेपालगंज के धम्बोजी चौराहे पे खड़ा हूँ और ये है बागेश्वरी, क्या नाम है इसका, हाँ ये सुर्खियत हाईवे है और ये गेट बागेश्वरी मंदिर द्वार है ये। अभी हम लोग चल रहे हैं मंदिर रोड पे और इस तरफ है सुर्खियत हाईवे। यहाँ पर भी समझ में नहीं आया भैयान, यहाँ भी बहुत महंगा बता रहा है। अब दूसरी दुकान पे देखते हैं आगे चल के।
हाँ मिल गया। अब हम लोग जा रहे हैं भैया ब्लैंकेट खरीदने के लिए। माइक्रोफोन वायरलेस मैं ले लिया हूँ। अभी मैं जाऊँगा फिर भवन चौक। ये रहा मंदिर, ये बागेश्वरी मंदिर बोलते हैं इसको। ये देखिए इसका लुक, सबसे बड़ी मंदिर है। अभी हम लोग त्रिभुवन चौक पहुँचने वाले हैं। ये रहा सामने त्रिभुवन चौक की मंदिर, और इसके आगे राजा खड़े हैं, उनका भी मैं वीडियो बनाऊंगा। और यहाँ पर शायद एकलैनी मार्केट है। ये रहा कमल की दुकान, मैंने वीडियो फॉरवर्ड कर दिया था, चलिए अंदर चलते हैं। ये वाला 750 और ये वाला 1050, 1050 नेपाली। ये कुछ कम हो सकता? 3 पीस चाहिए था। ये वाला पकड़ो भैया, हाँ इसमें था, इसमें था, 3 ले लेते। ये तो बताया, ये और एक और कौन, एक और कोई दूसरा कलर मिलेंगे, हरा नीला पीला। ये इसी का है, हाँ चलिए 2 हो गया। अब बताइए कितना लेंगे पैसा? 850। हाँ भैया 750 बता रहे हैं, 750 बता रहे हैं भैया, बहुत ज़्यादा बता रहे हैं। एक ही दुकान से लेते, बहुत ज़्यादा बता रहे थे। हाँ ये रहा सामने, इसमें भी देखते हैं। ये रहा होलसेल मार्केट, चलिए अंदर चलते हैं। ये देखिए ये त्रिभुवन चौक है। देखिए सारे लोग, चलो ठीक है 4 ले लो। देखो 1, 2, 3, 4 बस। रेट आपका बताइए, अगर आप ना हो तो 1000 रुपये जाना मवेशी। ये वाला देखें भैया, नहीं ना इतना ना जाए दे भैया, रोक दे, रोक दे तो हम नेपालगंज की शॉपिंग। आराम से बेची, हाँ ये भी सही है। ये एक डबल बेड का है, अच्छा पूरा खान भैया। इसमें का कितना कलर है? इसमें का भैया सब सिंगल कलर आता है। नहीं जैसे वो पंख बना हुआ है ना, सब सिंगल। नहीं पंख बनने वाले और कोई है? बस पंख में तो यही आएगा, एक ही है। हाँ तो भैया ये वाला दे दो तकिया के साथ, बहुत प्यारा लग रहा है। आग नहीं बैठा और कोई है फुल पत्ती यही सब पंख टाइप का? कौन सा बहुत अलग प्रिंट और गंदा भी नहीं होगा, तो पत्ती टाइप के देहू डिजाइन है। खुले बात समझ में ये डिजाइन आपका इशारा समझ में। और दूसरा ये स्टार है, बहुत प्यारा लगा था। महीन प्रिंट का तकिया के साथ ये के वाला कुछ अच्छा लग रहा है ना, दे बस। हाँ ठीक है भैया, एक ही अलग दे दो काट अलीसा के लिए। हाँ ये अलीसा के लिए है, वही डबल बेड का रहेगा ना? जी भैया 3 मीटर। और एक है भैया कोई ऐसा ही कोई निकाल मेरे बच्चे के लिए, ऐसे में एक ये डाल दीजिए, स्टार स्टार डाल दीजिए। हाँ ये भी सही, अच्छा है। ज्यादा ना देखा भैया, जो भी देख लो पसंद आ जाता है। फूल पत्ती नहीं दिखाई, आप समझ गए ना फूल पत्ती। बहुत ज्यादा जो है, एक तो बॉर्डर पे जाने नहीं देगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी। क्या बता दीजिए, 50 के सामान लो तो हम आपको 5 रुपए। चीज तो सब है अच्छा, जो देख लो वही पसंद। एक ही वाला काट दो भैया, 3 दे दो। आप ना देखा अभी नेपालगंज में शॉपिंग बड़े भैया के साथ। द
भैया क्या रेट है ये बताओ चादर? 200 रुपये। तो मैंने 3 मीटर लिखा है, 375 रुपये का ये कितने तक आएगा भैया बताओ? भैया आपको 16 रुपये नहीं नहीं 1000 इंडियन कर देना यार। भैया इसको उठाओ, सबसे प्यारा कलर तो ये है, प्यारा तितली बना हुआ है, देखो फिर देखो वाली रेट ये। चलो हो गया आज की शॉपिंग। आज बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर ली है और भाई की वजह से थोड़ा डिस्काउंट भी मिल गया था। ये यहाँ के बहुत पुराने हैं और अब हम लोग रिटर्न हो रहे हैं भाई के घर, अब वहाँ से आज ही मुझे जाना है, काम भी हो रहा है, इसलिए भैजान रोकना मत प्लीज। ये अब हम लोग बाइक पे बैठ गए हैं, अभी तक खाना भी नहीं खाया है, पौने 4 बज रहा है। चलिए भैजान सीधे चलते हैं वहाँ और वीडियो में फॉरवर्ड कर दूंगा ताकि आप लोग बोर ना हो। ये हम आ गए हैं भाई की तरफ, ये अंदर की रोड है बॉर्डर का और ये देखिए कितनी हरियाली है और पानी बरसा था आज माशाल्लाह, बहुत अच्छा मौसम था। कल जब मैं आया था बहुत गर्म था यहाँ पर, ये देखिए कितनी हरियाली है। सऊदी अरब में ऐसा देखने को नहीं मिलता, इसलिए ये सब देख के दिल खुश हो जाता है। ये देखिए कितना अच्छा सीन है, मौसम भी बहुत खुशगवार। ये हम लोग पहुंच गए हैं, ये मेरे भाई का घर है, ये देखिए ये मेरे बड़े भाई का घर है और ये मेरे बड़े भाई का बाइक है। ये घर इन्होंने बनाए हुए तकरीबन 2 साल हुए हैं, पहले इनका घर उस तरफ था और अभी मैं अपने बड़े भाई से मिलाने वाला हूँ। और आइए देखते हैं मेरे बड़े भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप अपना नाम बताएं। उबैदुर रहमान है, ये नेपाल बॉर्डर पर रहते हैं, यहाँ से नेपाल सिटी 3 किलोमीटर है और ये इनका नाती है। आजा बेटा बेटा, ये इनकी लड़की का लड़का है, इनकी 2 लड़की है और इनका नाम क्या है भैया? इनका हमजा, इनका हमजा नाम है। पापा का क्या नाम है? शहजाद नाम है। इनके पापा का शहजाद नाम है और इनकी छोटी लड़की है सानिया नाम है लड़की का, और इनकी 2 लड़की है और 1 लड़का है, यानी कुल 3 इनके बच्चे हैं। दोनों लड़की की शादी हो गई है और जो दूसरी लड़की की शादी जो बता रहे हैं बड़ी वाली की, जिसका मैंने घर दिखाया था एक बार कि मेरी भतीजी का घर नानपारा में मेरे ही पड़ोस में है, कि मेरे भांजे को इनकी लड़की ब्याही है। तो ये हैं हमजा बेटा। बाबू हम जादू तो पियेंगे, हम जादू पियेंगे, हम लोगों ने बहुत शॉपिंग की, नेपाल घूमा, नेपाल मार्केट देखी और वीडियो में थोड़ा सा बनाता रहूँगा, वीडियो बनाने का टाइम मिला नहीं और बहुत मज़े किए। अभी मैं थोड़ी देर में जा रहा हूँ अपने घर वापस, अभी ये हम मुझे छोड़ने के लिए जाएंगे, मैं जाते वक्त भी थोड़ा बहुत वीडियो बना लूँगा। और आज सुबह से पानी बहुत अच्छा गिरा है यहाँ पर, नानपारा में भी गिरा है और नेपाल में भी गिरा है, बहुत अच्छा पानी गिरा है बेटा। वो देख वीडियो बोलो बाय। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं, चलिए अब हम लोग निकल रहे हैं बिस्मिल्लाह। मेरे भाई मुझे छोड़ने के लिए नानपारा तक चलने के लिए तैयार हो गए हैं, अब मैं इनके साथ नानपारा तक जाऊंगा। ये मुझे नानपारा छोड़ कर चले आएँगे, 10-15 मिनट का रास्ता है क्योंकि 15 किलोमीटर है। भैजान ज़रा बॉर्डर में रोक देना, वहाँ पर मुझे करेंसी चेंज कराना है, मेरे पास नेपाली पैसे हैं उसको चेंज करा लेना, ठीक है? अभी हम लोग सीधे करेंसी चेंज कराएंगे नेपाली करेंसी, उसके बाद सीधा नानपारा। वीडियो में काट दूंगा, शॉर्ट कर दूंगा ताकि आप लोग बोर ना हो।
ये हम लोग आ गए हैं रुपईडीहा, ये यहाँ पर करेंसी चेंज करेंगे। चलिए हो गया, ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। अब हम लोग सीधे जा रहे हैं नानपारा, ये नेपाल बॉर्डर है, इसका नाम है रुपईडीहा, रुपईडीहा शहर बहुत मशहूर है। भैया आगे पेट्रोल पंप पे रोकना, तेल भराना है। ये बेचारे हमारे लिए बताइए इतना कर रहे हैं, बताइए मुझे छोड़ने के लिए नानपारा तक चलने के लिए तैयार हो गए थे, जबकि मैंने कहा था कि नहीं कोई बात नहीं भैया, मैं बस से चला जाऊँगा, ऑटो से चला जाऊँगा। ये अब हम लोग जाएंगे पेट्रोल पंप, भैया पेट्रोल पंप की तरफ, ये हाँ इस तरफ अंदर अंदर लीजिए अंदर, हाँ ये यहाँ, ये देखिए यहाँ का पेट्रोल पंप। चलिए पेट्रोल भी भर गया, अब सीधा हम लोग जाएंगे, यहाँ से 15 किलोमीटर है नानपारा। शाम का 6 बज रहा है और अभी हम लोग निकल चुके हैं, ठंडी ठंडी हवा खाते हुए जाएंगे। और ये मेरे भाई आज रुकने के लिए तैयार नहीं है नानपारा में, मैंने कहा था कि ऐसी में आज आपका इंतज़ाम कर दूंगा, आप आराम से रहिएगा खाइएगा कल जाइएगा, लेकिन ये मान नहीं रहे, ये बोले सिर्फ मैं तुझे छोड़ने के लिए जा रहा हूँ। ये हम लोग बाबागंज पहुँच गए हैं, मैंने बीच बीच में वीडियो काट दिया था ताकि आप लोग बोर ना हो। एक दिन मैं नेपाल में रुका हूँ तो बॉर्डर पर भाई के घर पर, मुझे बहुत मज़ा आया, नकल रात भर हम लोगों ने बातें की, इस तरह देखी। ये हम लोग पहुंच चुके हैं नानपारा के बिल्कुल करीब में हैं और 10 से 15 मिनट लगा था। यहाँ की हरियाली देखिए, यहाँ का रोड देखिए, ये देखिए ये नानपारा का जो नहर है उसका एक पुल है, ये देखिए अभी मैं पुल की तरफ दिखा देता हूँ, नहर की तरफ ये देखिए, इस तरफ देखिए पानी पूरा भरा हुआ, इस तरफ भी देख लीजिए ये देखिए पानी भरा है। और इसका यहाँ का बाईपास में दिखा देता हूँ, ये देखिए राइट साइड में पूरा बाईपास है, सीधे यहाँ से लखनऊ जाता है। और ये है अंदर की सड़क नानपारा सिटी का, देखिए कितना पतला शहर सड़क है, अरे कम से कम चौड़ा कर देते, देखिए बस आ रही है, अरे थोड़ा साइड करिए साइड, हाँ देखिए, अरे यार बहुत पतला सड़क है। ये हम लोग नानपारा पहुँच गए हैं भाइयों, भाइयों दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत मेहरबानी। ये देखिए नानपारा का बोर्ड आ रहा है, अभी मैं जूम कर देता हूँ, ये देखिए ये नानपारा में नानपारा परिषद दिखा हुआ, ये देखिए हम लोग पहुँच चुके हैं और मेरे भाई अब यहीं से रिटर्न हो जाएंगे बेचारे, ये मान नहीं रहे हैं, रुकने के लिए तैयार नहीं है। चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आज मैंने पूरी वीडियो डाल दिया हूँ, भाई को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।